India and number one. Only then we should be happy. I conclude with this. Thank you very much. धन्यवाद सभापति महोदया और कृपा पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा दया कीजिए आप ममता मई माँ हैं हम लोग आखिरी वालों को थोड़ा सा कटौती करते हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं शुरू करिए माननीय सभापति महोदया मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं दुर्ग लोकसभा के मेरे देवतुल्य मतदाता भाइयों बहनों ने सबसे पहले 17वीं लोकसभा के पहले बजट 19-20 में भी बोलने का अवसर मुझे मिला था और अंतिम पूर्ण बजट में भी आज बोलने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज पता नहीं क्यों हमारे इधर के विपक्ष के साथियों को माननीय मोदी जी का डर और भय सदा सताते रहती है। ऐसा लगता है सपने में भी ये लोग मोदी जी को ही देखते होंगे क्योंकि धीरे धीरे सिमटते जा रहे और पता नहीं कल क्या क्या होगा ये तो भगवान ही जाने मगर जनता जान रही है और इसलिए भी कि साल दर साल जो बजट में निखार आ रहा है और हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल का ये देश बनते जा रहा है जिस तरह भारतवर्ष की जनता ने 2014 में जनादेश दिया इस विश्वास के साथ कि हम गुजरात मॉडल में इस देश को ले जाएंगे और अपनी मेहनत के बल पर जिस तरह माननीय मोदी जी ने सरकार चलाई गुजरात में और पूरे देश में नंबर वन राज्य का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया और वही स्वरूप इस देश के लिए देखना चाह रहे थे और आज गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा कि 10वें पायदान में 2014 में थे आज हम सब इस देश के विकासशील जो देश हैं उनके समकक्ष आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गए हैं यह हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के बारे में भी कुछ कहूं क्योंकि उनकी मेहनत आदरणीय कराड़ जी यहां बैठे हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि मैंने उस समय भी कहा था पहले बजट में कि उनके नाम के अनुरूप यह बजट है यह निर्मल भी है रमणीक भी है और सीता मैया की ममता की छाप भी इस बजट में है और खासकर गरीबों के लिए जो अनेक योजनाएं बनी हैं वो तारीफ काबिल है इसलिए मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन करते हुए मैं सभी से चाहूंगा कि सर्वसम्मति से इस बजट को हम सब पास करें। माननीय महोदया इस बजट में सभी वर्गों ने अपने आप को पाया है सबने इसमें महसूस किया है कि सबके लाभ के लिए बजट बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह भारत देश समृद्ध हुआ है समर्थ हुआ है साहसिक हुआ है संगठित हुआ है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग पूरे देश में अपनी आभा बिखेर रही है। पता नहीं ये लोग 3D चश्मा पहने हुए हैं कि काला चश्मा क्योंकि जो बारीकियां हैं जो अच्छाई है इनको दिखता ही नहीं और क्यों ये लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये समालोचक बने ताकि जनता भी इनके ऊपर कुछ सहानुभूति रखे। अभी 2 दिन पहले हमारी एक तृणमूल की सांसद बहन जो होली में हम लोग मूर्ख सम्मेलन करते हैं उसमें टोपी पहनते हैं वो लेकर आई थी और खुद ही पहन रही थी क्योंकि हम लोग टोपी पहनाने की परंपरा जो सम्मेलन होता है कवि सम्मेलन मूर्ख का सभी कवि सम्मेलन तो खुद पहनते हैं हम लोग मूर्ख के मुख्य अतिथि को ही उसमें पहनाते हैं ये लोग खुद ही पहन रहे थे अब इनके बारे में हम क्या सोचें। आज मैं ये भी कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि कल जब इनकी सरकार थी 10 साल पहले तब विश्व में हमारे देश की क्या हालत थी
हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जब अनेक देश में जाते थे तो वो सम्मान हमको नहीं मिल पाता था। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की ये हालत थी तो सामान्य नागरिक की क्या हालत होगी, ये हम सोच सकते हैं और हमने देखा भी है। मगर मोदी जी ने इन 9 साल में जो प्रतिष्ठा इस भारतवर्ष की बढ़ाई है, इस भारतवर्ष के अनेक महापुरुषों ने आजादी इसलिए दिलाई कि हमारा देश फिर से सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे और उस बात को सत्य साबित माननीय मोदी जी ने अपने मेहनत और लगन के बल पर की है और वो स्वरूप दिख रहा है। आज पूरे विश्व में मान सम्मान के साथ हमारे मोदी जी को सम्मान मिलता है और ये एक नागरिक भी अगर भारतवर्ष का कहीं जाए तो उनको भी वो सम्मान मिलता है जिसकी अपेक्षा हम भारतवासी हमेशा करते रहते हैं। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है। आज मैं कुछ बातें गरीबों के लिए भी कह दूं क्योंकि मैं उसी को कोट करते हुए आज माननीय महोदया जो गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनके सोच के लिए मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि गरीब कैदी के लिए भी इसमें सम्मानजनक इस योजना में उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे बहुत से गरीब कैदी जो अदालत से जुर्माने की राशि नहीं दे पा रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था इस बजट में की है। मतलब कैदियों के बारे में सोचना किसी ने आज तक नहीं सोचा, लेकिन उस बारीकी को भी समझे और उस सम्मान की राशि देने की बात कही। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहूंगा, लगभग इस बजट में 66% की राशि बढ़ गई और 79,000 करोड़ का बड़ा बजट है, लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्गति है प्रधानमंत्री आवास योजना की। लगभग 16 लाख हमारे गरीब परिवारों को, पात्र परिवारों को वहां वंचित कर दिया गया वहां की कांग्रेस की सरकार के माध्यम से। छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा था, छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा है और छत्तीसगढ़ में शराब। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।